गुजरात में जामनगर के एक होटल में भीषण आग लग गई जिसे हाहाकार मच गया। आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है, लेकिन आग की लपटों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना बड़ा हो सकता था। आग कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। जामनगर पुलिस का कहना है कि जिस वक्त होटल में आग की लपटें शुरू हुई थी, अंदर कुछ स्टाफ मौजूद थे, कुल 27 लोग फंसे हुए थे। रेस्क्यू टीम ने सभी को समय रहते सुरक्षित निकाल लिया, आग पर काबू भी पा लिया, लेकिन होटल को बड़ा नुकसान हुआ है। होटल कैंपस में जो गाड़ियां पार्क थी वो भी जल गई हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।